हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैंने सोचा था मॉर्निंग से ब्लॉग शूट करूँगी, बस किसी रीज़न से मैं नहीं कर पाई थी और अब मैं कर रही हूँ। और बच्चे लोग स्कूल भी चले गए हैं तो घर में थोड़ा शांति हो जाती है, और मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग भी की है बिकॉज़ क्या, मेरे बच्चे का बर्थडे है और कुछ फ्रेंड उनके आएंगे। और एक क्लीनिंग करने से एक घर का जो वाइब्स होता है ना, बहुत अच्छा होता है, फ्रेशनेस फील होती है, खुद को देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा मतलब माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे में कुछ ऐसी हैबिट्स बिल्ड करें कि बच्चे जहाँ से कोई सामान पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर वहीं पे रखे, जिसकी वजह से हमें घर कम सड़ियाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज कम करना पड़ता है और घर साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है। फिर मैं बच्चे को स्कूल लेने चली गई और जब मैं उसे स्कूल से लेकर आई तो उसने बोला, मम्मा मेरा गिफ्ट पैक कर दो बिकॉज़ के आप ही आ जाएगी और फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगा, मम्मा आप ही गिफ्ट देख लेगी, आप ही गिफ्ट देख लेगी। तो मैंने भी जल्दी जल्दी उसका बात माना और गिफ्ट पैक करके रेडी कर दिया। और श्यान ने काफ़ी एक्साइटेड था, बोला मम्मा मैं इसे छिपा के रख दूंगा। और फिर सामिया को मैं लेने गई, सामिया ने कभी स्ट्रिंग एनर्जी टेस्ट नहीं किया था। सामिया, इसका फ्लेवर कैसा था? मीठा मीठा स्ट्रॉबेरी जैसा था। और इसे ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था तो अच्छा लगा इसे। और फिर मैंने रूम सब जो था उसे ऑर्गेनाइज़ किया, पानी आने लगा था तो मैंने पानी सब भरा और थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार के फ्रेश अप हो गई, सब फ्रेश कर दिया और साफ़ सुथरा हो गया। और फिर उसके बाद सामिया लोगों को मैंने कुछ स्नैक्स के लिए भेजा था जो नाश्ते में यूज़ होता बर्थडे में, तो वो सामिया लेके आ गई थी। और इन सभी को फ्रूटी बहुत पसंद है तो इसके वजह से मतलब सामिया फ्रूटी लाई थी और कुरकुरे लेके आई थी। और ये लोग मस्ती के मूड में फुल थे। और फिर मैंने बोला सामिया तू रेडी हो जा बेटा, तो सामिया ने रेडी होने के लिए गया और क्रीम निकल नहीं रहा था, परेशान थी वो। फिर मैंने उसे क्रीम दिया, हल्का सा उसने लिपस्टिक लगाया और थोड़ा थोड़ा मैंने रूम डेकोरेट किया बिकॉज़ इस बार उतना मतलब करने का कुछ प्लान नहीं था। फिर ऊपर वाली भाभी की बेटी आ गई, वो भी थोड़ा हेल्प कर दी बैलून का, बिकॉज़ कि पूरा बैलून का पैकेट ही एंड टाइम पे गैप था, तो फिर हम लोग नीचे से जल्दी से लेके आए। और फिर सामिया का केक कट करने का, उसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से तो सारे जन मिल के केक कट किए। हैप्पी बर्थडे Happy टू यू डियर सामिया, हैप्पी बर्थडे birthday to टू you. यू। और उसने केक कट किया। और सबको उसने बाइट थोड़ा थोड़ा सा खिलाया, पापा को दिया। ये एज ग्रुप जो होता है ना, इसमें फ्रेंड बहुत मायने रखते हैं। और ये केक कैसा लगा गाइस, हमें कमेंट्स में बताना। और इसमें बहुत सारे चॉकलेट लगे हुए थे, लास्ट होते होते बच्चे इस चॉकलेट पे टूट पड़े, सारे ने एक एक चॉकलेट लिया। कुछ भी हो जाए, हमें छोटा मोटा जो भी पार्टी होता है या घर में कुछ भी फंक्शन होता है उसे इंजॉय करना चाहिए। फिर बच्चे लोगों ने नाश्ता किया, मैंने चाउमीन रखा था और कुछ स्नैक्स थे वो खाए लोग। और ये जो है ना, ये इसका बड़ा भाई बहुत शाही है, जल्दी कहीं जाता नहीं, आज भी वो नहीं आया था। और फिर सामिया क्या हुआ, गिफ्ट ओपन करने का टाइम। गाइस अब तो बहुत मजा आने वाला है, अब मैं सबके गिफ्ट ओपन करके देखूंगी कि किसमें क्या है। तो गाइस पहले मैं ये अपने मोमेंट बच्चों के लिए बहुत इंजॉयफुल होता है और इंतजार भी करते हैं कि कौन मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। तो गाइस ये मेरे भाई का गिफ्ट है। वाह हो गाइस, श्यान ने मेरी फेवरेट चीज दी है, कलर्स। और सामिया को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इसका भाई ये दे सकता है, प्यार दिया भी, थैंक यू। बहुत प्यारा है शैन। और कितना दिन से इसने प्लान किया हुआ था, ये बगल में के हैं, मैं ये ब्लैक कलर का टी शर्ट, वो चॉकलेट लेके आया था, इतना हड़बड़ी में लास्ट टाइम में मैंने बोला था, फिर भी बेचारा लेके आया था। और सामिया नेक्स्ट गिफ्ट खोल रही थी जो पता था इसको किसके अंदर क्या है। गाइस इसके अंदर तो लंच बॉक्स है, मुझे पता है, मैंने मेरे सामने पैकेजिंग की है इसकी। तो गाइस ये मुझे पर लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगा था। सामिया बार बार शान का कलर्स देख रही थी बिकॉज इसको कलर्स से है ना एक अलग ही लेवल का लगाव है। तो गाइस अभी सुहाना अभी आगे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। तो गाइस
और सामिया का इसमें फेवरेट चीज़ था कलर्स का पूरा किट था जिसमें बहुत सारे कलर्स थे और एक नोटबुक टाइप का वाइट कलर जो होता है स्केच पेन का वो था। अब तो मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सामिया का आवाज़ भी थोड़ा भारी हो गया था, सारे गिफ्ट के चक्कर में थे। मैं बेटा देखो सॉन्ग एंजॉय कर रहा था, इसको डांस का मूड था फुल्ली। श्यान आपको डांस कैसा लगता है? ये छोटी छोटी सी खुशियां बच्चों के लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। और फिर मैंने खाना, मतलब सामिया का बिरयानी था फेवरेट तो वो था जो मैंने बाहर से मंगाया था, और हम लोगों ने खाना खाया, कुछ फ़ोटो क्लिक किया फैमिली फ़ोटो और बहुत सारा एंजॉय किया। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो